बख्शीनगर से अगर आपको तालाब किलो जाना हो तो पवन फ्रूट आइसक्रीम के सामने एक छोटी सी गली थी जो कि एक कनेक्टिंग लेन थी। इस गली से बहुत सी गाड़ियां गुजरती थी क्योंकि एक छोटा पैसेज था और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए लोग इसी गली का इस्तेमाल करते थे। लेकिन तकरीबन पिछले 6 महीने से यहाँ पर जो काम चल रहा है उस वजह से इस गली में मलबा गिरा दिया गया है, जिस वजह से जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फोर व्हीलर गाड़ी यहाँ से ना गुजरे इसलिए यहाँ पर मलबा फेंक दिया गया, लेकिन इस मलबे की वजह से यहाँ से गुजरने वाले टू व्हीलर वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं और कई बार तो यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुए हैं। इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर ट्रैफिक पुलिस से मांग की है कि इस लेन को क्लियर किया जाए, यहाँ पर जो मलबा गिराया गया है उसे हटाया जाए ताकि लोग इस गली का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि ये कनेक्टिंग पैसेज है तो बहुत से लोग इस गली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मलबे की वजह से अब उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की, जिस वजह से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। गली में मैं रहता हूँ, ये पिछले 6 महीने से समझे साल ही हो गया इसको, और इसकी इतनी बुरी हालत है कि इतने एक्सीडेंट होते हैं, लोग जा नहीं सकते, छोटी स्कूटी तक नहीं जा सकती, मगर किसी को अप्रोच करो ट्रैफिक वाले वाले वो नहीं सुनते हैं, जो नेशनल हाईवे वाले हैं वो कहते हैं हमें नहीं, आप ऊपर बात करो, और आप खुद देख लो इतने जितने खड्डे पड़े हुए हैं, कितने बच्चे जब जाते हैं, जितने भी कोई स्कूटर पर जाता है बहुत बुरी हालत है, उधर से कोई कार पे आते हैं, कोई इंडिकेशन नहीं है कि भाई इधर तरफ नहीं जाना है, लोग चले आते हैं, वापस गाड़ी करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाती, कोई सुनाई नहीं है इसकी बार जाओ। मेरे ख्याल है तकरीबन तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया, अभी उन्होंने ब्लैक टैपिंग की थी तो 2 महीने नहीं चली, अब एक मिनट आप इसके इसकी फ़ोटो लीजिए, देखिए ये जो हालत इसकी। अच्छा बिना अब जब रास्ता लिंक करता है, पता नहीं इन्होंने ये नेशनल हाईवे वालों ने यहाँ से 3-4 ट्राली सामान डाल दिया, पैदल भी चले, देखो आप देखो इसकी क्या पोजीशन है, मैं कोई सुनता ही नहीं है इसे। फर्स्ट है आपसे ही कि आपके माध्यम से ही ये पता चले ताकि इसकी सड़क क्लियर हो। देखो हमारे घर में महात्मदारी हुई है, हमें जाने की प्रॉब्लम आ रही है, हर किस्म की प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम है, बच्चे को बूढ़े को, कई बूढ़े गिर अपने एज आदमी को गिर जाते हैं। तो अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ दवाई लेने, यहाँ बियन हॉस्पिटल, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम मलबा पड़ा हुआ है, बहुत मुश्किल आ रही हमारे जाने के लिए, गवर्नमेंट की कोई इस पर नज़र नहीं है कि अगर कोई गिर जाए, बारिश का मौसम है, बच्चे आते हैं तो गिर जाए तो कौन जिम्मेवार है इसका। अभी हमने गाड़ी स्कूटर निकाली, यहाँ से बहुत परेशानी आ रही है, मेरे फादर हैं एज 60 ईयर्स एज है इनकी, अगर लग जाए तो कौन जिम्मेवार है इसका। तो मैं गवर्नमेंट से प्रशासन यही करूँगा, म्यूनसिपल कमेटी से भी यही कहूँगा तो इस पर गौर तलब करें और इसको जल्द जल्द साफ़ करवाएँ। मैं अक्सर रोड से अक्सर आता, पीछे भगवती नगर में रहता हूँ, ये मुझे पता नहीं सरकार क्या कर रही है यहाँ पर, पीछे ये तो सरकारी रोड है, कोई भी आके रोज़ क्रेन से इसको पूरा कर जाता, पहले ये थोड़ा कम था, फिर कुछ गाड़ियाँ क्रॉस कर रही थी तो कुछ और अगले दिन आया तो ये इसको और ऊपर कर दिया गया था, शायद अब कल आज थोड़ा सा ये इसको पता नहीं किसी ने उठाया है थोड़ा, इससे काफ़ी सारे लोग मेरे सामने, तो एक बार एक बुजुर्ग महिला गिर गई यहाँ से, बस ऐसे ही है यहाँ पर अंदाज है। किसने ये किया कह नहीं सकते क्योंकि हम तो गुजर करते हैं यहाँ से, कब कोई रात को जो है वो फेंक जाता है कुछ समझ नहीं आता। मनीर है मेरा नाम है, यहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जब जो भी स्कूटी वाली आती है, कोई पंचर हो जाती है कोई कुछ, तो यहाँ पे स्कूटियाँ गिर भी जाती हैं, 2-3 बार गाड़ियाँ गिरी भी हैं, रात को बंदे आते हैं यहाँ पे फेंक के जाते हैं ट्रालियों वाले, तो इसको जल्दी ठीक करना चाहिए।